नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सत्य पर असत्य की विजय का पर्व विजयादशमी पर बरेका सहित शहर के अन्य स्थानों पर रावण के विशालकाय पुतले का हुआ दहन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने दशहरे पर किया शस्त्र पूजन और निकाली पदयात्रा। बिनियाबाग में लगे गांधी शिल्प बाजार में काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर की खरीदारी। और ठुमरी साम्राज्ञी गिरिजा देवी की मनी पुण्यतिथि, अप्पाजी को भारत रत्न दिए जाने की हुई मांग। और अब खबरें विस्तार से। सत्य पर असत्य की विजय का पर्व विजयादशमी पर बरेका सहित शहर के अन्य स्थानों पर रावण के विशालकाय पुतले का दहन हुआ। सत्य पर असत्य की जीत का पर्व विजयादशमी वाराणसी में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर रावण के पुतले का दहन किया गया और दशहरे पर्व की खुशियां मनाई गई। वाराणसी में कई स्थानों पर रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें सबसे विशेष बनारस रेल इंजन कारखाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम होता है। यहां विशाल 10 सिर वाले रावण सहित मेघनाथ और कुंभकर्ण का विशाल पुतला दहन होता है। इससे पूर्व राम रावण वध का सुंदर मंचन किया जाता है। कई दशकों से बीएलडब्ल्यू में पूर्वांचल का सबसे बड़ा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन होता है। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग बीएलडब्ल्यू के मैदान में इस दृश्य को देखने के लिए उमड़ते हैं। दशहरे पर दहन होने वाले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को शमशाद खान और उनके परिवार द्वारा तैयार किया जाता है, जो पिछले 3 पीढ़ियों से बीएलडब्ल्यू मैदान के लिए पुतला बनाते आ रहे हैं, जिसमें रावण का 75 फीट, कुंभकर्ण का 70 फीट और मेघनाथ के पुतले के लिए 65 फीट की ऊंचाई निर्धारित है। बीएलडब्ल्यू में पूर्वांचल का सबसे बड़ा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला रखा जाता है, जिसके दहन को देखने के लिए लाखों की संख्या में भक्त उमड़ते हैं। वहीं दशहरे के पावन पर्व पर रावण दहन को देखने के लिए बरेका के मैदान पर लोग लगभग दोपहर 3 बजे से ही पहुंचने लगे। समिति के सदस्यों द्वारा एक एक करके लोगों को परिसर में प्रवेश दिया गया। इसके बाद राम रावण वध के प्रसंग का मंचन हुआ और इसके बाद प्रभु श्री राम के द्वारा बाण चलाई गई और इसके साथ ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का विशालकाय पुतला धू धू कर जल उठा। पुतला जलते ही पूरा वातावरण जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष से गूंज उठा। आकर्षक आतिशबाजियों के बीच शंखनाद, डमरू की ध्वनि और भक्तों के जय श्री राम के उद्घोष से पूरा बरेका परिसर भक्तिमय हो गया। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग परिसर में मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। समिति के सदस्यों के साथ ही काफी संख्या में प्रशासन के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने सकुशल इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। देखिए, सर्वप्रथम बरेका एवं बनारस वासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अब विजयादशमी का पर्व मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है।
बुराई और अच्छाई दोनों हमारे ही अंदर व्याप्त हैं। हमें सर्वप्रथम अपने अंदर की बुराई को मारना होगा, और जब हम अपने अंदर की बुराई को मार देंगे तो पूरे विश्व में कहीं भी बुराई उपस्थित नहीं रहेगी, और यही हमारे इस विजयादशमी की का संदेश। ये जब से इस बरेखा का हमारा गठन हुआ है तब से इस यहाँ पर विजयादशमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। लगातार साल पे साल मतलब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मतलब भीड़ बढ़ती जा रही है, तो कैसे चैलेंज के रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये हर वर्ष हमको चैलेंज के रूप में आता है, लेकिन उसी हिसाब से हम अपने जो व्यवस्थापक हैं, हमारे सुरक्षा से संबंधित लोग हैं, हमारे जो जो हमारे स्थानीय प्रशासन है, लोकल प्रशासन है, हमारा RPF है, इन सब की मदद से हम बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से। इसी कड़ी में वाराणसी में विजयादशमी का पर्व धूमधाम और उत्साह से मना। इस दौरान बुराई के प्रतीक लंकाधिपति रावण का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन होते ही श्रद्धालुओं ने प्रभु श्री राम के जयकारे लगाए। पर्व पर जगह जगह लगे मेले का लोगों ने लुत्फ उठाया और जमकर खरीदारी की। विजयादशमी की शाम मलदहिया चौराहे पर 40 फीट का रावण का पुतला दहन किया गया। मुख्य अतिथि ने सत्यरूपी रिमोट का बटन दबाया। इसके साथ ही धनुष से निकला तीर लगते ही रावण का विशालकाय पुतला धू धू कर जल उठा। इसके साथ ही लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष किया। इससे माहौल राममय हो गया। हर साल की भांति इस साल भी समाज सेवा संगठन की ओर से दशहरा पर्व पर रावण पुतला दहन का आयोजन किया गया। दशहरे के पर्व अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य, अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पुतला दहन के दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने धनुष पर तीर लगाकर मंच से ही छोड़कर रावण के पुतले को आग के हवाले किया। इस दौरान सुंदर आतिशबाजी भी हुई। मुख्य अतिथि मंत्री रविन्द्र जायसवाल, विशिष्ट अतिथि महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि समाज में व्याप्त बुराई को समाप्त करने के लिए रावण के प्रतीक पुतले का दहन किया जाता है। काशी की यह परंपरा पंजाबी समिति के द्वारा यह रावण दहन का कार्यक्रम होता आ रहा है। बुराइयों का नाश करने के लिए यह परंपरा रही है। आज यह ऐतिहासिक दशहरा के अवसर पर मलदहिया चौराहे पर जहां पटेल जी की मूर्ति है वहां पर यह रावण जलाने का कार्यक्रम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इस उत्सव में भाग लेने के लिए पूरा काशी उमड़ा हुआ है। लोगों का यह मानना है कि अपने अपने जीवन में भी विचार में अगर कहीं रावण है तो उसे जलाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने दशहरे पर शस्त्र पूजन व पदयात्रा का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के तत्वावधान में शस्त्र पूजन व पदयात्रा का कार्यक्रम श्री मनोकामना सद्धनुमान मंदिर सुंदरपुर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि हिंदू परंपरा और मान्यताओं की रक्षा के लिए हिंदू समाज में विजयादशमी के दिन शक्ति का आह्वान करके हिंदू घर के प्रत्येक परिवार में शस्त्रों का विधिवत पूजन किया जाता है। जबकि शस्त्र पूजन आज के समय के परिप्रेक्ष्य में हिंदू समाज के हितों की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदू समाज का आह्वान करता है कि अपनी परंपराओं का अवश्य पालन करते हुए अपने अपने घरों में शस्त्र रखें और पूजन करें। विधिवत पूजन अर्चन कार्यक्रम में
अर्जुन कुमार मौर्य, महामंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल काशी प्रांत के द्वारा मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर सुंदरपुर के बटुक द्वारा पूजन कराकर कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान अर्जुन शेट्टी, अंकित सेठ, अजय मौर्य, भरत यादव, रजनीश देववंशी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। हर वर्ष हम लोग विजयदशमी के महापर्व पर भव्य शस्त्र पूजन का आयोजन करते हैं और इसी क्रम में आज भी सुंदरपुर स्थित श्री मनोकामना हनुमान मंदिर पर भव्य शस्त्र पूजन का आयोजन किए हैं, जिसमें शस्त्र पूजन के साथ साथ हवन विधिवत पूजन का आयोजन किया गया। उसके पश्चात पदयात्रा का भी आयोजन था, लेकिन अब वह पदयात्रा मोटरसाइकिल के रूप में यहाँ से भिकारीपुर तक चलेगी। क्या उद्देश्य है कार्यक्रम करने का? ऐसा कार्यक्रम जो हमारी संस्कृति परंपरा घरों में शस्त्र रखने की थी वह धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। लोगों से ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजन निवेदन है कि वो अपने घरों में शस्त्र रखें, विजयदशमी के दिन शस्त्रों का पूजन करें और हम लोग का यह प्रयास भी है कि हर घर में शस्त्र हो, आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र का पूजन और शस्त्र की जो व्यवस्था होती है वो लोग अपना करें। बेनियाबाग में लगे गांधी शिल्प बाजार में काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर खरीदारी की। बेनिया राजनारायण पार्क में विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं पूर्वांचल निर्यातक संघ वाराणसी द्वारा गांधी शिल्प बाजार में लोगों की काफी भीड़ हो रही है। विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्पियों द्वारा यहां विविध स्टॉल लगाए गए हैं, जिनका लोग अवलोकन करने के साथ ही जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि हस्तशिल्प प्रदर्शनी आगामी 29 अक्टूबर तक चलेगी। इस बाजार में मीनाकारी, टेराकोटा, जूट से निर्मित वस्तुएं, लकड़ी से बने सामान, विविध सजावटी सामान सहित खाने पीने के भी स्टॉल लगाए गए हैं। आज कहाँ आए और किस तरह की यहाँ आपको देखने को मिल रही है, क्या चीजें हैं? ये हमारे बेनियाबाग में और बेनियाबाग बनारस का एक ऐसा जगह हो भैया जहाँ कब्बो बिराना रहत रहा, लेकिन स्मार्ट सिटी तो ऐसा चकाचक बना दिले हो कि यहाँ आइले पर तबीयत खुश हो जाते। अब यहाँ लगल है देखा गांधी शिल्प बाजार, इतना बढ़िया काम, देखा ये घरेलू सामान हर चीज यहाँ मिला तो, यहाँ कुर्ता पजामा दरी बिछौना और सजावट का टांगे टूंगे वाले से लेकर के स्वास्थ्य से वर्धक चीज भी मिला तो, खादी आश्रम का कुल लगल है चकाचक। तो यहाँ कई जने आवत हुआ अपन खरीदारी करत हुआ और देखा कौनो एमन धर्म जाति के बंधने नहीं हो, जितना मुस्लिम हुआ उतना हिंदू हुआ उतना सिख हुआ कुल जने भिड़ल हुआ अपन अपन सामान खरीदे में। यहाँ द्वार चाल से लेकर के पूरा हुआ मेटपोस और पैर पोछे वाले से लेकर कालीन तक कुल मिला था। तो भैया ये तो बड़ा अच्छा हो, देश भर के कुल दुकानदार आये हुआ अपने बनारस में, सबका स्वागत है गुरु। काशी की जनता को क्या कहना है भैया? काशी की जनता से हमारे यही रिक्वेस्ट हो, निहोरा हो, प्रार्थना हो कि 29 अक्टूबर तक मेला चली तो आप लोग भी घरे से निकला कबो टहरत टहरत कहीं आजे निकला लोबा तू लोग मूर्ति पंडाल देखा तो एक राउंड एयर भी लगा लियल कैली, घर का तमाम सामान जौन बढ़िया क्वालिटी का हो यहाँ मिल जाए सिल्प बाजार में, और ये भारत सरकार का पहल हो, एकरे साथे खड़ा रहे चाहिए हमने के। ठुमरी सम्राज्ञी गिरिजा देवी की छठवीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान अप्पाजी को भारत रत्न दिए जाने की मांग हुई। जन कल्याण परिषद एवं पंडित राम सहाय संगीत अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में ठुमरी गायिका गिरिजा देवी की छठवीं पुण्यतिथि संजय नगर कॉलोनी नाटिमली स्थित उनके आवास पर मनाई गई। जन कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष गंगा सहाय पांडे ने केंद्र सरकार से उनको भारत रत्न देने की मांग करते हुए कहा कि उनका निधन 24 अक्टूबर 2017 को 88 वर्ष की उम्र में कोलकाता में हुआ था। उनका अंतिम संस्कार वाराणसी में हुआ। उन्होंने कहा कि आज संगीत और समाज सेवा के क्षेत्र में उनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता है। श्रद्धांजलि सभा में प्रकाश सिंह, रोहित मिश्रा, राजेश कुमार सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। पद्म विभूषण स्वर्गीय गिरिजा देवी जी की आज छठवीं पुण्यतिथि है, 24 अक्टूबर सन 2017 में उनका निधन कलकत्ता में हुआ था। उनका अंतिम संस्कार बनारस में मकरिका घाट पर हुआ। आज उनकी कमी संगीत जगत बहुत महसूस कर रही है। केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि उनको भारत रत्न की उपाधि दिया जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। के बाद आपका स्वागत है। नगर में दुर्गा पूजा की धूम रही। देर रात्रि तक लोगों ने पूजा पंडालों में पहुंचकर मां दुर्गा का दर्शन किया। नगर में दुर्गा पूजा की धूम रही। नवमी होने के कारण श्रद्धालुओं ने नगर के सभी पंडालों में परिवार संग पहुंचकर हाजिरी लगाई। पंडाल से लेकर सड़कों तक भारी भीड़ पटी रही। सनातन धर्म इंटर कॉलेज नई सड़क में अपार भीड़ उमड़ पड़ी। आयोजकों ने बताया कि खासियत इस वर्ष माता 24 फीट नीचे से ऊपर साउंड और लेजर लाइट के बीच आ रही है, जो आकर्षण बना हुआ है। पहला पंडाल है जहां मां की झांकी की आरती हो रही है। गंगा आरती की तर्ज पर माता का भक्ति गीतों के साथ कार्यक्रम हो रहा है। विद्युत झालरों की आकर्षक सजावट भी लोगों को खूब भा रही है। पूरे क्षेत्र सहित पंडालों में भारी पुलिस बल का सहयोग मिल रहा है, जो शरारती तत्वों पर बराबर अपनी नजर रखे हुए हैं। पंडाल के वॉलेंटियर भी जगह जगह भीड़ को नियंत्रित कर पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। मुक्ति चाहिए तो इस मार्ग से हटकर मैं तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। जन सैलाब उबड़ा है, भीड़ नहीं। अभी अभी हम लोग गंगा आरती और माँ दुर्गा का आरती, जो किसी पंडाल में नहीं होता है, जो मेरे पंडाल में दिखाया गया, और इससे दर्शनार्थी बहुत ज़्यादा पसंद हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए और देख रहे हैं। जैसा कि हमारे पंडाल में हजारों की संख्या में भीड़ चपी हुई है माँ का लेजर शो देखने के लिए, और साथ ही लेजर शो और 24 फीट की प्रतिमा धरती से माँ ऊपर आ रही हैं, और उसके बाद महिषासुर का वध करेंगी, और हम लोग उसके बाद केदार धाम बनाए हुए हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और इसके बाद एक माँ वैष्णो का हम लोग एक झांकी बनाए हुए हैं, वहीं से माँ दुर्गा का हम लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं। प्रशासन के गाइडलाइन से हम लोग सारी व्यवस्था किए हैं। अपने पूजा पंडाल में फायर ब्रिगेड रखे हुए हैं, आग से बचने का सारा इंतजाम हमने किया। सीसी कैमरा भी हमने लगवाया चारों तरफ पंडाल के अंदर, और प्रशासन के लोग भी थोड़ी थोड़ी देर में आके हम लोगों से पूछ रहे हैं, हम लोग के साथ मिलजुल कर रहे हैं, एकदम बढ़िया से है। ये जन सैलाब पूरे उत्तर प्रदेश से बनारस में सनातन की ओर उमड़ चुका है। सनातन धर्मी हैं हम लोग, सनातन की रक्षा के लिए माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उस लिए जनता इस ओर आ रही है। हमारी व्यवस्था, हमारे वॉलंटियर, हमारे पदाधिकारी, हमारे संरक्षक, हमारे सारे लोग जनता की सेवा में लगे हुए हैं निरंतर। आपके सामने सीज फायर खड़ा हुआ है और अंदर भी सीज फायर की टंकी लगी हुई है। बालू पानी सारी व्यवस्था हमारे पंडाल के अंदर मौजूद है। प्रशासन हम लोग के साथ दम पदम देख रहे हैं आप।
पूरी ड्यूटी पे लगी हुई है, प्रशासन हमारे साथ मिलके हमारे जनता की सेवा में लगी हुई है। छतरपुर कंचनपुर में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कपड़े के शोरूम का उद्घाटन किया। छतरपुर कंचनपुर में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र ने एक कपड़े के शोरूम का उद्घाटन किया। इसी कड़ी में उन्होंने बात करते हुए बताया कि आज छतरपुर बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, यहां बहुत से बड़े शोरूम खुल रहे हैं, पहले और अब में काफी अंतर आ चुका है। आज इस जगह का इतना विकास हो चुका है कि अब यहां सारे छोटे और बड़े कंपनी के शोरूम खुल रहे हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि अब यहां की जनता को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने आगे कहा कि हम जगदीश द्विवेदी के कपड़े की दुकान का उद्घाटन करने यहाँ आए हैं। आज किस तरह की दुकान का उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहते हैं? ये कपड़े का शोरूम है आदरणीय जगदीश द्विवेदी जी का, और ये जेंटलमैन नाम से उन्होंने छतरपुर इलाके में अपनी ब्रांच खोला है। हम आज नवरात्रि के इस दशहरे के दिन, तो विजयादशमी के इस पावन पवित्र दिन पर पूरे परिवार को इस नए प्रतिष्ठान की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हैं। यह प्रतिष्ठान इस इलाके में, चूँकि ये बनारस का एक बहुत नया इलाका है जो बहुत तेज़ी से विकसित हुआ है, तो इस इलाके में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो उस क्षेत्र की लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह प्रतिष्ठान अपने नाम और गरिमा के अनुरूप कार्य करेगा और नई ऊँचाइयाँ छुएगा। एसीपी भेलूपुर ने अपने क्षेत्र के पूजा पंडालों में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसीपी भेलूपुर प्रवीण सिंह ने अपने क्षेत्र में लगे लगभग सभी पूजा पंडालों का निरीक्षण किया और सुरक्षा का जायजा लिया। नवमी पर सभी पूजा पंडालों में विविध कार्यक्रम संपन्न हुए, जिसमें एसीपी प्रवीण सिंह अपने दलबल के साथ एक एक पंडाल में गए और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसी कड़ी में बाबा स्पोर्टिंग क्लब नारायणपुर नुआव सुसवाही में पहुंचकर पंडाल का जायजा लिया। वहीं दीपक सिंह राजवीर ने एसीपी प्रवीण कुमार सिंह का सम्मान मेमेंटो और अंगवस्त्रम देकर किया और एसीपी प्रवीण कुमार सिंह ने भी दीपक सिंह राजवीर का आभार व्यक्त किया। वहीं मंच से एसीपी ने लोगों को महिलाओं के लिए सभी को सम्मान और नारी शक्ति के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कटिबद्धता दोहराई। नमस्कार, मैं मंच पर उपस्थित दीपक एवं मेरे साथी एसओ छतरपुर व इस क्षेत्र के सम्मानित जनता और यहाँ जितने भी हमारे माताएं बहने हैं, बुजुर्ग हैं, मैं सबका अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सत्य पर असत्य की विजय का पर्व विजयादशमी पर बरेका सहित शहर के अन्य स्थानों पर रावण के विशालकाय पुतले का हुआ दहन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने दशहरे पर किया शस्त्र पूजन और निकाली पदयात्रा। बेनियाबाग में लगे गांधी शिल्प बाजार में काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर की खरीदारी। और ठुमरी साम्राज्ञी गिरिजा देवी की मनी पुण्यतिथि, अप्पा जी को भारत रत्न दिए जाने की हुई मांग। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।